हेलो दोस्तों, नॉलेज एरो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको किसी भी बाइक की चेन क्लीनिंग कैसे करते हैं बताऊंगा। पहले इस स्प्रॉकेट कवर को निकाल लीजिए। इस चेन को क्लीनिंग क्यों करना चाहिए या कब कब करना चाहिए, यह सब मैं आगे बताऊंगा। पहला इस कवर को निकालेंगे। देखिए आ गया अपना कवर। देखिए कितना गंदगी। ये सब चेन को जो लुब्रिकेंट ऑयल हम स्प्रे करते हैं ना, वो स्प्रे धूल मिट्टी को खींच लेता है। वो धूल मिट्टी इस तरह जम जाता है, तो चेन पर भी देखो कितना धूल मिट्टी चिपक का है। इस धूल मिट्टी चिपकने से आपकी गाड़ी चलाते टाइम थोड़ी हार्ड या पिकअप में कम महसूस होगी। आपको करना क्या होगा कि हाफ लीटर किरोसिन या हाफ लीटर डीजल खरीद कर ला लो। अब एक बेसन लेके प्लास्टिक का, उसमें हाफ लीटर किरोसिन डाल दिया मैंने। मैं अब क्लीन करने के लिए किरोसिन का इस्तेमाल करता हूँ। अब एक क्लॉथ लीजिए। एक क्लॉथ लेके करना क्या होगा, आपको ध्यान में रखिए कि पीछे का टायर फ्री से फिरते रहना चाहिए। अब क्लीनिंग शुरू करते हैं। अब इस किरोसिन में डुबाए हुए क्लॉथ लेकर उस चेन को कंप्लीट रगड़ दो। ये क्लॉथ चेन को पूरा कंप्लीट उधर इधर पूरा कवर करना चाहिए। अब ये किरोसिन या डीजल ही क्यों इस्तेमाल करते हैं का, तो ये वेरी गुड क्लीनर जैसा काम करते हैं। जो डर्ट या ऑयल का चिपकाव है ना, वो सबको ये किरोसिन निकाल देता है। आपका चेन पर जो धूल है या ग्रीसी स्टिकी थिंग है, पूरा अपने आप साफ हो जाएगा। धीरे धीरे चेन को पीछे की तरफ खींचो और क्लीन करो। थोड़ा पीछे तरफ खींचो, क्लीन करो। ध्यान रहे कि पीछे बड़ा स्पॉकेट है ना, उसके अंदर उंगलियां मत जाना चाहिए। अगर उंगली उसमें गए तो अटक जाता, तो आपको पेन आएगा। इस काम करने के लिए आप ग्लोव्सों का इस्तेमाल करो, क्योंकि नेल्स के अंदर किरोसिन या डर्ट जाने से धब्बे बैठ जाएंगे और खाते समय दिक्कत होगी। इधर आगे में छोटा स्प्रॉकेट है ना, इसके पीछे में भी बहुत चिपकाऊ डस्ट जम जाके रहता है। उसे भी एक क्लॉथ को इस्तेमाल करके उंगली के हेल्प से क्लीन कर दो। अब वो क्लीन करते समय पीछे अगर पहुंचने में दिक्कत होती हो, तो स्क्रू ड्राइवर की मदद लेकर क्लॉथ पर स्क्रू ड्राइवर ऐसा रख के अंदर को पुश करके क्लीन करो। ये व्हील का बैक साइड, वो चैनल की वो चैम्बर है ना, वो पूरा क्लीन होना चाहिए। अब ये किरोसिन क्लॉथ को पूरा आराम से धीरे धीरे पोंछ लेते, क्लीन करते ही जाओ, करते ही जाओ। जल्दी क्या है, नहीं आराम से कर दो। कितना आराम से करते हो उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। देखिए व्हील क्लीन करते टाइम में मेरे उंगली नीचे की तरफ रखा, ताकि उस व्हील और चेन के बीच में उंगली ना सपड़े। क्लॉथ को अंदर घुसा दिया। घुसा दे के क्लॉथ को नीचे की तरफ से खींचने से अंदर पीछे की तरफ अच्छी तरह साफ होता है। देखिए अब इस तरह धीरे धीरे साफ कर दो। किरोसिन में डुबाते जाइए और साफ करते जाइए। अब ये सामने का हो गया। अब पीछे तरफ आइए। पीछे बड़ा स्प्रॉकेट व्हील है ना, इसे भी इसी तरह धीरे धीरे आराम से साफ करते ही जाओ, करते ही जाओ। अब होना था तो ऊपर का प्लास्टिक कवर है ना, उसको भी साफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किरोसिन सब को क्लीन कर देता है। किरोसिन या
डीजल जो भी चाहिए वो आप खरीद करके इस्तेमाल कर सकते हो इस क्लीनिंग में। देखिए पहला कितना गंदा दिखता था, अब देखिए स्प्रॉकेट व्हील चमकने लगा, दिख रहा है ना, वाइट से चमक रहा है। सो धीरे धीरे अब ये साफ करते उस टाइम में व्हील के अंदर उंगली नहीं गई सर का, थोड़ा सेफ्टी बरतो, एक हाथ से आराम से व्हील को फिराते जाओ, एक हाथ से क्लॉथ किरोसिन में भिगाते जाओ, क्लीन करते जाओ। पीछे के तरफ भी क्लीन करना चाहिए उस प्रॉकेट व्हील को। उसके बाद ये स्विंग आर्म को भी, इधर बहुत ग्रीसी और डस्ट जमा रहता है तो इसे भी थोड़े साफ कर लेते हैं ताकि सब क्लीन हो जाए। अब फिर से एक बार चेन को थोड़ा थोड़ा पुल करता क्लीन कर रहा हूँ। देखिए आराम से क्लीन करो, कोई जल्दीबाज नहीं, जल्दी करने से देखिए कपड़ा अटक गया ऐसा, जल्दी कोई भी जल्दी नहीं। आप चाहे तो रिवर्स डायरेक्शन में व्हील फिराते जाओ और क्लीन करते जाओ। इस तरह रिवर्स डायरेक्शन में करने से उंगली सेफ से रहती है। देखिए नया चेन जैसा चमक रहा है, देखिए कितना साफ हो गया। अब इस तरह साफ होने से चेन में जो फ्रिक्शन रहता है ना वो ज़ीरो हो जाता है। जब ड्राइविंग करते हो आपकी गाड़ी फुल पावरफुल पिकअप और माइलेज दोनों भी बढ़ेगी। अब इस प्रॉकेट कवर को भी उसी यूज़ किया हुआ किरोसिन से क्लीन करेंगे। इस प्रॉकेट कवर को भी सेम वही किरोसिन वही क्लॉथ लेके धीरे धीरे लगड़ते जाओ, किरोसिन लेते जाओ लगड़ते जाओ। ये किरोसिन क्लीनर जैसा काम करता है और मिट्टी को पिघला देता है, मिट्टी और ग्रीसी स्टिकी ऑयल पूरे को पिघला कर निकाल देता है। अभी से खर्च कितना लगेगा, हाफ लीटर डीजल मतलब हमें 630 रुपीस में मिल जाएगा, किरोसिन 120 रुपीस में मिल जाएगा, 20 या 30 रुपीस ही खर्चा किरोसिन या डीजल। और एक पुरानी क्लॉथ लिए, एक ग्लोवजा हैंड ग्लोवजा एक मोल लो, ये हैंड ग्लोवजा लगभग 100 रुपये में मिल जाएंगे आपको, हार्डवेयर शॉप या सुपरमार्केट में भेजते हैं ये हैंड ग्लोव्स, नियरली 100 रुपीस रहता है। अभी पानी के जैसा बहाओ इस किरोसिन को, पानी के जैसा बहाते जाओ और लगड़ते जाओ। ऐसा करने से क्या होता है का तो डस्ट पूरा आराम से पिघल जाता है। अब लगभग पूरा क्लीन हो गया, इसे बाजू को रख देंगे। अब मेन पॉइंट, अब किरोसिन से क्लीन किया तो इसके बाद करना क्या है, ये मेन पॉइंट है। थोड़े हाथ को साफ कर लेता हूँ, इसके बाद करना क्या है मैं बताऊँगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है चेन क्लीनिंग में। गाड़ी को स्टार्ट कर लो, इंजन स्टार्ट कर लिया, इंजन स्टार्ट करे बाद ये आइडल स्पीड स्क्रू है, इस आइडल स्पीड को 1 टन फुल्ली बढ़ा दो, कंप्लीट 1 टन बढ़ा दो ताकि एक्सलेटर रेस करने की ज़रूरत आती नहीं, बिना एक्सलेटर पकड़े गाड़ी मूव होती है। अब थोड़ा बढ़ाया, अब इसके बाद गियर शिफ्ट रॉड लेके उसमें गियर 1 में दबा दो। अब ध्यान रहे कि व्हील ग्राउंड को टच ना हो, शायद व्हील का स्पीड थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ इसलिए मैं और एक पॉइंट बढ़ाया। अब थोड़ा आराम से व्हील फिर रहा है, व्हील नीचे नहीं लगना चाहिए। अब थोड़ा रेस करो, गाड़ी को रेस करो। रेस करने से क्या होता है का तो ये चेन पर अब जो किरोसिन से क्लीन किया ना वो किरोसिन पूरा गायब हो जाएगा। अब इसके बाद वाटर लेके फ्लश करो। ये वाटर क्या करता है का तो
जो किरोसिन हम यूज करें ना साफ करने के लिए, उस किरोसिन को ये वाटर साफ करेगा। अब तो ये टेक्निक, अब वाटर लेके छोटा स्प्रॉकेट और बड़ा स्प्रॉकेट दोनों जगह वाटर डालते ही जाओ डालते ही जाओ, गाड़ी फर्स्ट गियर में फिरती ही जा रही है। अब तुम्हें करना क्या है, छोटा स्प्रॉकेट और बड़ा स्प्रॉकेट और चेन तीनों को टारगेट करके पानी डालते ही जाओ लगभग एक मिनट डाल दो। एक मिनट डालने से उसमें जो किरोसिन बचा होता ना, किरोसिन पूरा चले जाएगा और वाटर से साफ होगा। अब थोड़ा रेस कर दो गाड़ी को, फिर रेस करने से क्या होता है तो अब जो वाटर हमें डाले ना वो वाटर भी एवापरेट हो जाएगा इस फ्रिक्शन फोर्स से। अब इंजन को ऑफ कर लो। अब हम क्या करें, पहला किरोसिन से करें उसके बाद वाटर से करें। रेस करने से वाटर भी गायब हो गया। अब ड्राई क्लॉथ लेके आराम से धीरे धीरे चेन को साफ करो। अब ये ड्राई क्लॉथ से क्यों करते हैं तहो, वाटर जो चिपक कर रहता है ना चेन को, उस वाटर को निकाल रहे हैं हम। इस क्लॉथ लेकर वाटर को साफ कर देते हैं। इस वाटर को साफ नहीं किया तो चेन में जंग लगती है। सो इमीडिएटली क्लॉथ लेके, ड्राई क्लॉथ लेके क्लीन कर दो ताकि वाटर ड्रॉपलेट्स पूरे गायब हो जाए और जंग का सवाल ही नहीं पड़े। अब बैक व्हील और फ्रंट स्प्रॉकेट दोनों भी साफ हो गए। अब इसके बाद करना क्या है का तो देखिए, अच्छी तरह साफ हो गया व्हील और ड्राई भी हो गया। देखिए ड्राई दिख रहा है ना, व्हील साफ हो गया ड्राई हो गया, परफेक्ट कंडीशन, परफेक्ट क्लीन। अब यमहा लूप, आप मार्केट में जो भी पसंद हो वो चेन लाओ, चेन लूप बोलते इसे, चेन लूप स्प्रे लगभग 500 के रूप आसपास रहेगा मार्केट में। अब चाहे तो दूसरा ब्रांड भी खरीद सकते हो। ये इनसाइड दी चेन, इनसाइड चेन और आउटसाइड दी चेन दो जगह स्प्रे करना है। स्प्रे करने से पहले पहला एक बार इंजन ऑन कर लो, इंजन ऑन कर गाड़ी स्टार्ट कर लो। गाड़ी स्टार्ट कर लेके अब फिर से गियर वन में डालो। अब गाड़ी मूव हो रहा है, गाड़ी मूव होते समय स्प्रे लेके आउटसाइड स्प्रे कर रहा हूँ, ये आउटसाइड। इसके बाद इनसाइड, ये इनसाइड ऑफ द चेन, इनसाइड ऑफ द चेन को भी पूरा कंप्लीट स्प्रे कर लो। इसके बाद आउटसाइड फिर से एक बार। अब फ्रंट स्प्रॉकेट, फ्रंट स्प्रॉकेट इनसाइड पर स्प्रे कर रहा हूँ, इनसाइड या आउटसाइड आपकी मर्जी, व्हील को लगना चाहिए ऑयल। तो बस इतना ही, अब चेन क्लीन हो गया, चेन लूप भी स्प्रे कर दिए, यामाहा लूप चेन स्प्रे डाल दिया। अब इस गाड़ी को एक मिनट रनिंग में रखो ताकि चेन पूरा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो ऑयल। वन मिनट के बाद इंजन को ऑफ कर लो। अब इंजन को ऑफ करने से पहले फिर से वापस उस आइडल स्पीड को कम कर देंगे, आपका जो ओरिजिनल बीटिंग साउंड है ना वो देखकर कम कर दो, उसके बाद इंजन ऑफ कर दो। अब हो गया हमारा चेन क्लीन भी हो गया, लुब्रिकेंट भी हो गया। अब वापस इस स्प्रॉकेट कवर को फिट कर देंगे। जब आपकी गाड़ी थोड़ा हार्ड चलने लगी या आप महसूस कर रहे हो कि आपकी ड्राइव में कुछ लेजीनेस है तो इमीडिएटली उसका मतलब है चेन में डस्ट ज़्यादा जम गया। तो आप इस तरह चेन क्लीन कर दो। इस तरह चेन क्लीन करने से आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस 100% वापस आ जाएगी, आपकी गाड़ी का पिकअप 100% वापस आ जाएगा, आपका माइलेज भी इम्प्रूव होगा गाड़ी का। आपको राइडिंग करते समय नई गाड़ी अभी शोरूम से उतरी जैसी लगेगी, आप रियली रिफ्रेश फील करोगे अपनी गाड़ी की ड्राइविंग में। वापस मैं इस
फिट कर रहा हूँ। बस हमारा चेन क्लीनिंग पूरा हो गया। अब महीने में एक बार इस तरह चेन क्लीनिंग घर में खुद ही कर लो। कर लेने से आपकी गाड़ी की माइलेज, परफॉर्मेंस, पिकअप पूरी शोरूम गाड़ी जैसी लगेगी। देखो, गाड़ी परफेक्टली क्लीन किया, परफेक्टली लुब्रिकेंट भी कर दिया। फिर से इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।